एक और दिन एक और कत्ल, राहुल रजनी और आज विजय। जिस तरह से बेगुनाह कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किलिंग कर अब उनकी हत्या की जा रही है, मारा जा रहा है, ताकि इसी इरादे से, इसी मकसद से कि वो कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाएं, इसको लेकर के माहौल बहुत खराब होता हुआ नजर आ रहा है। हालात चिंताजनक बनी हुई है, लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। इस समय मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर जम्मू शहर की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ये जो लोग आप प्रदर्शनकारी देख रहे हैं, ये डोगरा हिंदू समाज के लोग हैं, जम्मू संभाग के हैं और कश्मीर घाटी में कार्यरत हैं। ये सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन ये अब वहां से छोड़कर आ गए हैं। इनका कहना है कि वहां पर इनके रहने लायक हालात नहीं है, इनमें भय उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार कश्मीर घाटी में हत्याएं हो रही है, हिंदू समाज अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है कश्मीर घाटी में। हम सीधा यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर कुलवीर, मेरा नाम कुलवीर। कश्मीर घाटी में कार्य? बिल्कुल सर, पिछले 15 सालों से। कहाँ पर, कौन से जिले? सर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। तो अभी आप वहाँ से छोड़कर आ गए? सर छोड़ के आना, क्या करना, मरना वहाँ पे क्या? आप अपने आप को सुरक्षित में? बिल्कुल, टोटली अनसेफ सर। सर सरकार के जो दावे थे वो तो फिलहाल विफल होते नजर आ रहे हैं सारे। देखिए, अगर उन्होंने बोला कि हम इनको सेफ जोन में, मतलब जो है, ट्रांसफर कर देंगे, तो उसका एक रिजल्ट आप देख लीजिए। विजय कुमार जी बैंक मैनेजर जो थे राजस्थान से, उनको कश्मीर घाटी में आज कत्ल कर दिया गया है। तो मैं नहीं समझता, जहाँ पे सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जिनका कत्ल हो रहा है। हाँ जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता है। हाँ, क्योंकि रोज वहाँ पे टारगेट किलिंग की जाती है, और जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं वो सब डर के छाए में जी रहे हैं वहाँ पे, और कोई भी एम्प्लॉयड वहाँ पे अब डर के मारे वहाँ पर जाना नहीं चाहता है। हम इस बात से दुखी हैं कि वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है और पूरा बैली छोड़ के हम आ गए हैं, सितने भी एम्प्लॉय, और हमारे साथ एलजी और डिपकॉम हर ऑर्डर में पार्शियलिटी करते हैं, जिसकी वजह से हमें रोड पे आना पड़ रहा है। कहीं भी कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है सर। अच्छा, हम यही चाहते हैं कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर शहर भी सुरक्षित, श्रीनगर शहर भी सुरक्षित नहीं है सर। वहाँ पे यही जो आप सुन रहे हैं, यहाँ पे यही माहौल है वहाँ पे, और टारगेट किलिंग की जा रही है और सिविलियंस को मारा जा रहा है, और ये पिछले एक साल से चल रहा है। हम इस चीज को देख रहे थे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कोई स्टेप उठाएगा हमारे लिए, जहाँ कुछ से हमारी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पिछले एक साल से हम देख रहे हैं, और अब तो हमारा जो एक सबर का बांध जो था वो टूट चुका है, और अब हम नहीं चाहते कि हम और ज़्यादा हमारे भाई बहन वहाँ पे अपनी जान गंवाएं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ट्रांसफर्स की जाए जम्मू में,